हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखने वाले प्रश्न 9.1 का 13 सवाल, जिसमें आपको दिया हुआ है कि एक आदमी है जो कि मीनार के ऊपर बैठा हुआ है, या फिर कोई भी है ना। तो यहाँ पे एक डी बिंदु पर एक कार आ रही है, जिसको वो देख रहा है ना। तो यहाँ से उसका अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और वह कार 6 सेकंड बाद सी बिंदु पर आती है, तो वो वापस उसको देखता है ना यहाँ से, तो उसका अवनमन कोण बनता है 60 डिग्री का, ठीक है। आया समझ में आ तक। तो अब इसका अपन मतलब ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये यहाँ से ये वाला ये एकांतर कोण बन रहा है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 हो जाएगा। और वापस ये देखना, ये वाला ये वापस एकांतर कोण बन रहा है, तो ये अपन को 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी 60 हो जाएगा। मतलब एकांतर कोण के मान बराबर होते हैं ना, वही सिस्टम है यहाँ पर, है ना। तो अपन वापिस अब अपन को ज्ञात करना है ये कि उसने कार ने यहाँ से सी बिंदु से बी बिंदु तक कितने मतलब कितने टाइम में ये दे तुरी गई, मतलब दूरी कितने टाइम में तय करी इसने, है ना। तो अब मीनार की ऊंचाई अपन को नहीं दे रखी, सही है ना, नहीं दी हुई क्वेश्चन में। तो लिखते हैं अपन त्रिभुज ए बी सी में पहले, है ना। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है अपन को, बी सी का मान भी अपन को निकालना है। तो अपन लंब बटे आधार से निकालते हैं, वो पहले सवाल में निकालते आ रहे हैं अपन, पहले वाले में वही सिस्टम चल रहा है ऑफिस, है ना, एल एस वाई वाला, ठीक है। तो लंब बटे आधार, तो अपन कोण का मान क्या है इसमें, कोण सी का मान 60 डिग्री दिया हुआ है अपन को, ठीक है। तो अपन लिखते हैं तो टेन थीटा अपॉन बराबर ए बी बटा बी सी। टेन थीटा का मान क्या है, थीटा का मान अपन को 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 बराबर ए बी बटा बी सी। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी बटा बी सी। अब इसको अपन वर्गुणा करेंगे, ये इस वाली संख्या को इधर एक लिख लो, तो इससे वर्गुणा कर देंगे, और एक बी सी को इससे कर देंगे, तो ए बी बराबर हो गया अपना √3 बी सी, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब नेक्स्ट त्रिभुज क्या है अपना, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं अपन। तो त्रिभुज यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, पेपर में इसी प्रकार सिस्टम वाइज करना होता है सवाल, है ना, जिसमें अपन को पूरे नंबर देते हैं एग्जामिनर। तो अपन लिखते हैं इसमें, तो इसमें दिया हुआ है अपन को कोण डी का मान 30 डिग्री, तो इसमें टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। अब इसका टेन का मान, थीटा का मान दिया अपन को 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो 30 बराबर ए बी बटा बी डी। तो इसका हो गया टेन 30, टेन 30 का मान क्या होता है, ए बटे √3 बराबर ए बी बटे बी डी। अब इसको अपन वज्रगुणा कर लेंगे, तो ये हो गया ए बी बराबर क्या हो गया, अब बी डी बटे √3। अब इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है। अभी इधर भी ए बी का मान आ गया, इधर भी ए बी का मान आ गया, तो दोनों ए बी के मान को अपन बराबर कर देंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से तो ए बी के मान दोनों को बराबर कर देगा अपन, तो ये हो गया अपना √3 बी सी बराबर बी डी अपॉन √3, ठीक है। अब √3 को अपन इधर भेज देंगे, तो ये √3 बी सी इंटू √3 बराबर बी डी। तो ये क्या हो गया, अब ये दोनों गुणा जाएंगे √3 √3, तो हो गया 3 बी सी बराबर बी डी, ठीक है। अब देखना आप ये बी डी है, तो ये बी और डी, इसका इसको अपन बी सी प्लस सी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर लिखते हैं अपन, तो ये 3 बी सी बराबर बी डी को लिख सकते हैं अपन, बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो अपन अभी बी सी को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 बी सी माइनस बी सी बराबर सी डी हो गया, ठीक है। तो अब लिखते हैं अपन, मतलब 3 बी सी में से एक बी सी को हटाएंगे, तो क्या बचेगा, 2 बी सी बच जाएगा बराबर सी डी, ठीक है। अब लिखेंगे अपन ए बी सी
बराबर सी डी। अब दो को नीचे भेज देंगे अपन तो बटे दो, यानी कि इसमें क्या आ गया अपने कि बी सी का मान जो कि सी डी का मान है ना उसका आधा है। आप लिख यहाँ पे लिख लो, मतलब ये सी डी का मान नहीं, ये बी सी का मान सी डी का आधा है, ये आ गया अपने। ठीक है तो आगे लिखते हैं अपन, तो सी डी तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है तो बी सी बराबर सी डी का मान क्या है, 6/2, तो बी सी का मान आ गया 3 सेकंड। ठीक है अब कार को यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।